गरुड़ विकास खंड के नंदाष्टमी मेले का उद्घाटन करेंगे। कोट रामरी मंदिर में मेले का उद्घाटन करेंगे। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास साथ में मौजूद रहेंगे। पर्यटक आवास में बैजनाथ में रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो सीएम धामी का बागेश्वर दौरा है। सीएम धामी दो दिवसीय बागेश्वर दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर बाद जिले के गरुड़ विकास खंड के नंदाष्टमी मेले का कोट भ्रामरी मंदिर में उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, सांसद अजय टमटा मौजूद रहेंगे। सीएम धामी आज शाम 4 बजे जीटीसी हेलीपैड देहरादून से प्रस्थान कर शाम 4:45 पर मेला डुंगरी हेलीपैड गरुड़ पहुंचेंगे। शाम 4:50 पर मेला डुंगरी हेलीपैड से प्रस्थान कर शाम 5 बजे करीब पर्यटक आवास गृह वैजनाथ पहुंचेंगे। शाम 5:20 पर पर्यटक आवास गृह से प्रस्थान कर 5:35 पर कोट भ्रामरी मंदिर डंगोली में नंदाष्टमी मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और करीब 7:45 पर वो पहुंचेंगे। सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, बागेश्वर का 2 दिवसीय दौरा है, क्या क्या इन 2 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री आज करीब 5:35 पे कोट भ्रामरी मंदिर में गरुड़ पहुंचेंगे। और क्योंकि ये वक्त उत्तराखंड में नंदाष्टमी की के मेलों का है, नंदा देवी की पूजा का है, गढ़वाल हो या कुमाऊं दोनों जगह नंदा देवी को पूजा जाता है। और जिस मंदिर में सीएम जा रहे हैं, इस मंदिर के बारे में आपको बता दूं कि 12 वर्ष में जब नंदा राजजात होती है तो कुमाऊं की तमाम जो डोलियां हैं, कुमाऊं की जो तमाम छंतोलियां हैं, हर जगह से डोली इसी मंदिर में पहुंचती है और यहां से एक डोली फिर आगे गढ़वाल के लिए रवाना होती है और गढ़वाल की डोली के साथ फिर नंदा को उसके ससुराल छोड़ने के लिए ये तमाम लोग पहुंचते हैं। क्योंकि ये सिद्ध पीठ है और बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है और इसलिए आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। और नंदाष्टमी का मेला उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, खासतौर पर कुमाऊं में मेलों की रौनक देखते ही बनती है। नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा और गरुड़ डंगोली, इन तमाम जगह पर ये मेले होते हैं। आज मुख्यमंत्री मेले का शुभारंभ करेंगे, तमाम बागेश्वर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री वहीं पर करेंगे। क्योंकि सांस्कृतिक तौर पे उनका ये पूरा दौरा है तो इसलिए जो तमाम आसपास के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है। और इसके साथ ही बागेश्वर में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ सुबह वो बैठक कर सकते हैं। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शांति कुंज में दीक्षा कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। सीएम धामी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। धर्मनगरी में सीएम धामी ने पहुंचे थे दीक्षा कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए। आज से आप संकल्प ले लीजिए कि आज से आप राष्ट्र का भार लिखने का अति विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जा रहे हैं और मैं आप सभी को आज इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं सूचित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला जो भारत का अमृत काल है, उस अमृत काल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का काम आप सबके माध्यम से होगा।